ऐसे पंडाल बनते हैं ना, आंखें बंदे की चकाचौंध हो जाती है। पंडाल पे करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, करोड़ों का एक सौ करोड़ के भी पंडाल बनते हैं। दो हाँ, पिछली दफा हमने एक बार बुर्ज खलीफा बनाया था 350 करोड़। बाकी में यार अगर हम लोग ये बात करते हैं तो बाकी में सनातन धर्म में नारी को बहुत इज्जत दी गई है यार, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना सभी, वो यार एक लफ्ज होता है, स्वाभिमान होता है शायद। और पूजा करते वक्त और पूजा करने के बाद जो वो करती हैं, एक साउंड जो होता है वो मुझे जो है ना सुनने का बहुत जो है वो मजा आता है। What an amazing celebration here for Durga Puja at Chitranjan Park. I tasted so many great foods. बिल्कुल बनाए गए थे यार, ये श्री को भी हर साल बनाते हैं, हर साल हर साल। सबसे महंगा प्रोजेक्ट इनका इनका ही होता है। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है सरतन से जुदा? हाँ जी, सरतन से जुदा कोई शक नहीं है, तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। We are in Calcutta. This one is Maa Durga. Yeah. Okay. And that's the representation of lion. Okay, I see. That's what I told you, Mahishasura, right? That's what this she is fought, the evil. Yeah, the that's the evil guy. पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या वजह आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, नहीं मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलहदा पहचान है, तहजीब है, सकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करें, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। And does she always have five arms on either side? So 10 arms shows 10 different what should I say those are what weapons which okay. were given to her by different gods. Oh. She was made out of powers of God, right? बुरी हुकूमत है, उन्होंने हिंदू बरादरी पर जोर डाला है कि दुर्गा पूजा के दरमियान अगर अजान होती है या नमाज होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना ही, मैं कहूंगी कि एक अंदाज जो हमें देखने को मिलता है ना इंडिया में, वो बहुत खूबसूरत लगता है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आजकल दुर्गा पूजा चल रही है और दुर्गा पूजा के जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं उसको लेके पाकिस्तान में भी काफी डिस्कशन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है। और जितना पैसा खर्च किया जाता है, जिस तरह से पंडाल इतने महंगे पंडाल लगाए जाते हैं, उसे देख के पाकिस्तानी काफी शॉक्ड हैं और इन सब चीजों के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पे होती है, स्पेशली बंगाल में। तो बंगाल में इस समय किस तरह के पंडाल लगे हैं, किस तरह से दुर्गा पूजा हो रही है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इतने बड़े पंडाल लगते हैं और इसकी तारीफ जो हो रही है वह भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि विदेशी जो आते हैं भारत में वो भी इन पंडालों की बहुत ही तारीफ करते हैं। आपको ये सब कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Oh, look, there's that. Please correct me if anybody you see I'm wrong. Do I need to take my shoes off to go inside? No, no. You don't. No! You don't have to. We are very chill here. Okay, okay. Sorry, everyone's getting photos. And then this thing in the middle, very this beautiful decoration. This represents Durga Puja. It's called Shuli Phool. Shuli Phool? Yes. Okay, so there's lots of the cool thing about this festival is that it's all celebrating the feminine energy. Yeah? Absolutely. Which is cool. I feel like Ganesh festival was a little bit sort of masculine. But now we've got, here's the idol. Oh, somebody just said Brett Lee. Philip, nice to meet you. Everyone thinks I look like Brett Lee. You think so? Isn't he a bit shorter than you? I don't know. I maybe. He may be. I think just and the facial features. He's a bit older than you also. He's obviously older than me, yeah. I'm like a young Brett Lee. Yeah. Okay, so there is the... See, that's Maa Durga. Okay. And that's a representation of lion. This one is Maa Durga.
Yeah. Okay. And that's the representation of lion. Okay, I see. That's what I told you, Mahishasura, right? That's what this she is fought, the evil. Yeah, that's the evil guy. Right to her yeah. is Ma Saraswati. Ma she's the goddess of Saraswati. Okay. Right. She's the goddess of education. Oh, education. And knowledge. You're the one giving me the education and knowledge right now. Not that much. Yeah. We've got Ganesh there. Then we have... I've forgotten. Okay, that's Lakshmi. Lakshmi. Ganesh, Lakshmi, Durga, his name? Mahishasura. Mahishasura, Lakshmi, Durga, Ganesh, Lakshmi, so Durga. We have the Bengali dialect also. Ganesh. Ganesh. Lokhi. Lokhi. Ma Durga. Ganesh. Lokhi. Ma Durga. Ma Durga. Mahishasura. Mahishasura. Saraswati. Saraswati. Kartik. 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 Right. Okay, I'm not going to remember any of that. I'll repeat it. Okay, maybe by the time we get to the last pandal, we or will. Or maybe by the time it's Doshami. Doshami. The end day, the yeah, Visarjan. Yeah. By then you remember. So why do you call it Doshami instead of Visarjan? Visarjan is giving it off to the water. Yes. So, yaar, ye jo bhi bana hai, main kehta hu, adbhut yaar, bhai. Seriously. 300 crore. 300 करोड़ का ये चीज बना है जिस तरह हमें इसका कीमत हमारे एक भाई सब्सक्राइबर ने बताई है अगर ऊपर नीचे हो गई हो तो आप कीमत बता सकते हैं शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि जिस लेवल की ये बिल्डिंग बनाई यार अंदाजा लगा मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता ये अच्छी खासी आईडी कम से कम 200 मीटर के करीब से भी ज्यादा 6000 से ज्यादा सिर्फ शीट्स लगी हैं 6000 से ज्यादा शीट्स लगी हैं और 300 से ज्यादा लाइटें लगी हैं जो हर टाइम और जो दूसरी बारीक लाइट है वो तो स्ट्रिप लाइट वो तो छोड़ दो मतलब छोड़ दो अलग लाइटें 300 लगी हैं तो यार इसका लेवल इतना हाई किस्म का होने लगा है यार मतलब इंडिया में यार मतलब कुछ भी पॉसिबल है भाई यार मतलब मतलब ऐसी चीज कभी सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में देखे बिल्डिंग होती है ऑफिस वर्क के लिए हमने ऐसा कभी गुमान में भी नहीं आ सकता कि मतलब एक पूजा पाठ की जगह ऐसी हो मतलब मंदिर एक किस्म दर्शन जहाँ पे करने जाए माता का मतलब वो जगह ऐसी हो यार मतलब वो जिस तरह दुर्गा माता के लिए काम है सब कुछ है देखो यार मतलब ये तुमने ये देखा ना कितने किलो सिर्फ 60 किलो तो सिर्फ 70 किलो के करीब कम से कम उनको लगे और उसके बाद देखो जब ये अंदर उसको रखेंगे और फिर जब लोग आएंगे और मतलब पूजा करेंगे उस तरह उस टाइम क्या होगा यार मुझे एक मेरा दोस्त बता रहा था कि इधर बाहुबली तरह की भी इस तरह की एक मूर्ति मतलब बनाई थी उन्होंने गाइस मतलब बिल्डिंग सी बनाई थी और उसमें भी जो इसी तरह रखा गया था गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इसी तरह मतलब था बहुत कुछ होता है ये नवरात्रि का त्यौहार तरीके से मनाया जाता है खासकर वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा कोलकाता और भाई ये मतलब एक बुर्ज खलीफा मतलब इंडिया में बन गया अब कोई बोलेगा बुर्ज खलीफा जाना है अगर वहाँ पे दुबई के पैसे ना हो तो आप कोलकाता जाके मैं वही कह रहा हूँ सेम चीज अगर लोग कहते हैं ना बुर्ज खलीफा यार दुबई में यार इसके सामने से पिक्चर बनाओ दूर से किसी को नहीं समझ आएगी नहीं सेम मॉडल है नहीं समझ सेम मॉडल है एक मतलब आपको बुर्ज खलीफा मिल रहा है मतलब भाई इंडिया में कुछ भी हो सकता है ये बात मैंने आज मुझे इस चीज का यकीन हो गया कि इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है यार देखो लेवल की बिल्डिंग और 100 दिनों में भाई 100 दिनों में इतनी बड़ी और 100 बंदों ने यार बहुत फास्ट नहीं बनाई भाई और किसने ये सोचा था इस किस्म की बिल्डिंग और 100 दिन यार 100 दिन यार गाइस अगर किसी को पता हो तो यार ये इसकी ऊंचाई कितनी है अगर किसी को पता हो तो यार जरूर हाँ ये बता दो यार ये क्योंकि बहुत हाइट में लग रहा था काफी ऊंची लग रही थी बाकी काफी ऊंची बहुत ज्यादा हाँ तो गाइस ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और यार आपको बहुत बहुत ज्यादा नवरात्रि की मुबारक हो जिस जिसने जाना है बुर्ज खलीफा जा सकता है जा सकते हैं ऑसम किस्म की जगह यार मैं कर सकते हो ये भाई मतलब कमाल की जगह बनी है और इधर यार इस बार होगी नवरात्रि मतलब दुर्गा पूजा इधर होगी तो मजा आने लगा यार दुबई की एग्जांपल हमारे सामने है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया तो ये मुमालिक पर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है नहीं नहीं पाकिस्तान से ज्यादा और कंट्रीज में भी है लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए वह याशी में पड़ रहे हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ जाहिर हो रही हैं तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं
तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कट्टरपंथी लोग किस तरह से हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो भारत में भी पत्थरबाजी होती है, सभी हमने देखा ही है और पाकिस्तान का भी यही हाल है। तो कट्टरपंथी सोच इन लोगों की सब जगह एक ही जैसी है कि भाई हिंदुओं को उनके त्यौहार नहीं मनाने देंगे। और ये भी एक सच है कि भाई हिंदू अपने त्यौहार नहीं मना पाते हैं, इसी देश में नहीं मना पाते हैं भारत में, लेकिन ये एक सच है कि जब भी हिंदू त्यौहार आते हैं तो उन पर पत्थरबाजी होती है, चाहे रामनवमी हो चाहे दुर्गा पूजा हो, लेकिन मुसलमानों के त्यौहारों पर कभी कोई हिंदू ऐसा काम नहीं करता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक मिल जय श्री राम।